वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू अनदर व्लॉग। और यार मार्केट के अंदर आई हूँ और इस चक्कर में आया हूँ भाई, मैं शादत अभी मेरे साथ नहीं आया, वरना मैं तो फीमेल पकड़वा के लिए आता। आज के आज वापसी करवा देते हो तो यार पहले सबसे पहले वहीं पे चलते हैं जहाँ पे ब्लैक वाइट वाली फीमेल देखी थी ना, उसको एक्सचेंज करवा लेंगे अपनी वाइट वाली से। पहले चल के देखते हैं यार, बिक गई अल्लाह करे ना बिक गई यार, मजा आ जाएगा। तो जल्दी से चल के भाई वो फीमेल देखते वगैरह के पेयर वगैरह माशाल्लाह से। यार दोस्तों भाई मैं यहाँ पर ना अभी भी यार एक कॉकटेल का बच्चा ढूंढ रहा हूँ, अल्लाह करे कोई अच्छा कॉकटेल का बच्चा ले लेंगे यार। हमारा कॉकटेल का बच्चा तो मर चुका आप लोगों को पता है, लेकिन भाई यहाँ पर लाइन से देखते हुए जा रहे हैं यार, कोई अच्छा कॉकटेल का बच्चा नजर आ गया दोस्तों, तो इंशाल्लाह ले लेंगे भाई। आगे की तरफ चलते हैं यार, लेकिन जिस काम से आया हूँ वो यार रैबिट फीमेल एक्सचेंज करवाने के लिए आया हम लोग ना, मैं अकेला आया हूँ, हम लोग नहीं है, मैं अकेला आया हूँ रैबिट फीमेल एक्सचेंज करवाने के लिए। पकड़ के इस वजह से नहीं लाया क्योंकि वो फीमेल पकड़ में नहीं आती है यार दोस्तों। मैंने यहाँ ही कहीं पर देखी थी रैबिट, कहीं पे फीमेल नज़र आ जाएगी ना यार, उन्हीं से बात कर लेंगे और फिर उसको एक्सचेंज करवाएंगे। लेकिन भाई कोई अच्छी फीमेल लेंगे यार, ऐसा नहीं है, पहले भी दो दफा ना मैं धोखे में आ गया ना यार, बड़ी के चक्कर में फीमेल ले गए और वो फीमेल ने बच्चे भी नहीं दिए। तो यार यहीं कहीं मैंने फीमेल देखी थी एक अच्छी ना यार, कहाँ पर नज़र आएगी फीमेल, मेरे ख्याल से वो आगे की साइड पे नहीं थी, नहीं यहीं पे थी यार वो फीमेल, मैंने यहाँ पे देखी थी दोस्तों, इस केज के अंदर देखी थी वाली फीमेल ना मैंने। लेकिन यार यहाँ पर भाई नज़र नहीं आ रही अभी ब्लैक वाली फीमेल ना यार, ब्लैक वाली फीमेल यहीं पे थी यार, लेकिन क्या कर सकते हैं वो बिक चुकी यार दोस्तों। खैर ये तीन पड़ी हुई है भाई, इन्हीं का पूछ लेते हैं यार ये मेल है या फीमेल है, लेकिन यार हमारे को तो फीमेल ही चाहिए दोस्तों, अगर कोई अच्छी फीमेल मिलेगी तो लेंगे। वो ब्लैक वाली मेरे दिल पे लगी हुई थी, मैंने सोचा अभी देखकर आ जाता हूँ, उसके बाद साधन वगैरह आएगा तो पकड़ के फीमेल लेकर आ जाएंगे, लेकिन यार वो फीमेल शायद छोड़ लो चुकी है। खैर इनसे पूछते हैं यार कोई अच्छी फीमेल पड़ी हुई है दोस्तों, अलग अरे फीमेल निकला है दोस्तों, खूबसूरत फीमेल चाहिए यार हमारे को ना भाई, ऐसी तो नहीं लूँगा मैं क्योंकि वो ब्लैक वाइट वाली मेरे दिल पर लगी हुई थी, वो तो बिक चुकी है। लेकिन यार आपको खूबसूरत सी ही फीमेल ढूंढेंगे, बाकी ये पेयर चेक करें माशाल्लाह से, आज ये बैठा हुआ है और डक क्या है, भाई डक। और दूसरी बात ये यार एक से एक मोटिकन दोस्तों मुर्गे वगैरह की मौजूद है, लेकिन यार दोस्तों हमारे को भी असील मुर्गा ही लेना पड़ेगा, ये वाले मुर्गे हमारी मुर्गी के साथ नहीं चलेंगे, इसका पेयर एक अलग ही होता है यार, क्योंकि ये वाला मुर्गा है और उसके साथ ये मुर्गी भी है, फैंसी में आता है। लेकिन हमारा जो गुलखान चोरी हुआ वो तो असील मुर्गा था ना यार, तो हमारे को एक असील मुर्गा भी, इंशाल्लाह संडे वाले दिन ना यहाँ पर पूरी मार्केट लगी होगी, तो इंशाल्लाह संडे वाले दिन आके असील मुर्गा भी ले जाएंगे। बाकी अभी रैबिट की फीमेल पूछते हैं यार भाई से दोस्तों, मैंने भाई साहब पूछा, भाई कह रहे हैं यार वो फीमेल तो बिक चुकी है, अब ये सिर्फ एक पेयर बचा और ये ब्लैक वाला भी ना मेल है फीमेल नहीं है यार दोस्तों। यार खैर मैं आप लोगों को भाई यही दिखा देता हूँ मार्केट के अंदर आया हूँ, तो डब वगैरह बाकी जावा ये तक ओए दोस्तों, ये वो बेंगलाइज हैं भाई जो हमारे पास वाइट कलर में ना, बाकी ये इनके पास ब्लैक कलर में मौजूद है ये वाली बेंगलाइज ना, ये है सारी बेंगलाइज दोस्तों, बाकी ये मिट्टू का पेयर बैठा हुआ है भाई। लेकिन यार दोस्तों मेरा ना दिल टूट गया है, मार्केट में इतनी शौक सा आया था ना मैं कि यार फीमेल को एक्सचेंज करवा लेंगे या एक नई फीमेल बाय कर लेंगे, वो ब्लैक वेल्ट वाली फीमेल इतनी खूबसूरत थी मैं तो क्या बताऊँ, लेकिन वो बिक चुकी है भाई, किसी और के पास ढूंढते हैं अल्लाह करे मिल जाए। और भाई बकरी का बच्चा लेकर आया है कोई बंदा यार माशाल्लाह यार, इंशाल्लाह दोस्तों यार भाई बकरे का ना, हमारे को बकरे अच्छे नहीं मिल रहे, जगह की सेटिंग तो हो चुकी है यार, हमारे को भी एक दो बकरे अच्छे मिल जाए ना तो इंशाल्लाह बकरे वगैरह ले लेंगे यार दोस्तों। यार फिंचेस की कॉलोनी चेक करें भाई, पूरी कॉलोनी बनाई हुई यार, मैं ऐसे ही सोचता हूँ दोस्तों हम लोग भी ना ऐसे ही फिंचेस की ना कॉलोनी बना लेंगे, वो अंदर बच्चे भी मौजूद हैं यार माशाल्लाह। देखे दोस्तों यार अंधेरा बहुत हो रहा है, लेकिन यार बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं यार इसके अंदर ना, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहे क्योंकि फ्लैश ऑन है और उनका मेल जो है ना उनको खाना खिला रहा है यार दोस्तों, क्या देख के ना मज़ा आ रहा है यार, ऐसा दिल कर रहा है कि ये पूरी कॉलोनी ना बंदा अपनी खरीद ले यार। हम लोग भी यार इंशाल्लाह थोड़ा सा भाई अब जगह चेंज करेंगे ना यार, जहाँ बकरे रखेंगे ना उसी जगह के ऊपर ये फिंचेस वगैरह भी लेकर डाल देंगे और इतनी ही बड़ी ही ना एक कॉलोनी बना लेंगे अपने फिंचेस वगैरह के लिए ना, क्योंकि यार ये एक साथ ना ज़्यादा खुश रहती हैं। तो भाई आगे जाना पड़ रहा है, इन भाई से ही पूछ लिया, कह रहे हैं फीमेल नहीं है यार, वो बस किस्मत से एक फीमेल मिल रही थी, अब क्या कर सकते हैं फीमेल यार रह गई भाई, हम लोग खरीदना चाह रहे थे लेकिन यार मैं सादत को भी नहीं लेकर आया, वरना एक्सचेंज भी करवाता, लेकिन एक्सचेंज भी हम लोग किससे करवाते यार। यहाँ पर बता रहे हैं यार यहाँ पर फीमेल नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर भी ना ब्राउन वाइट कलर में और छोटे बच्चे नज़र आ रहे हैं यार दोस्तों, जो ब्लैक वाइट कलर में हमारे को खूबसूरत सी फीमेल चाहिए थी ना, उस टक्कर की कोई फीमेल यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है यार। खैर इनसे पूछ लेते हैं इसमें कोई अगर फीमेल अच्छी नज़र आ जाए तो। दोस्तों भाई से मैंने पूछा है, भाई ये भी कह रहे हैं यार ब्लैक वाइट कलर में नहीं मिलेगी, वाइट कलर में मिल जाएगी लेकिन साइज़ में ना काफ़ी छोटी है, हमारा मेल इनसे काफ़ी बड़ा है, बोले यार पेयर वेयर नहीं लगेगा इसका ना। और यार दोस्तों ये वाले कबूतर का पेयर चेक करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द ना जो मैं नेक्स्ट चीज़ लेकर आऊँगा ना छत पे, या तो वो एक असील मुर्गा होगा या फिर ये वाले कबूतरों का पेयर होगा, ऐसे ही कोई कबूतरों का एक पेयर खरीद लेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द यार। बस दोस्तों यार सबसे पहले तो फीमेल चेंज करवानी है, क्योंकि फीमेल हमारी बच्चे नहीं दे रही है यार, फीमेल का भाई चेंज करवाना है पूरी मार्केट में, आज मैंने फीमेल ढूंढी है यहाँ पर कहीं पर भी ना यार फीमेल नज़र नहीं आई है दोस्तों, क्या कर सकते हैं यार भाई, या तो अब हम सदर जाना पड़ेगा, सदर में भी बर्ड मार्केट है, वहाँ पे जाके फीमेल वगैरह पता करनी पड़ेगी, यहाँ तो जितनी पूरी मार्केट लगती है ना यहाँ पे पता कर लिया नहीं है, यहाँ तो यहाँ पर संडे वाले दिन
आकर लेनी पड़ेगी फीमेल यार, क्योंकि संडे को यहाँ मार्केट वगैरह लगती है ना, संडे को यहाँ पे बर्ड वगैरह मिल जाते हैं, संडे को ट्राई करेंगे भाई। अभी तो फिलहाल कोई फीमेल नजर नहीं आई है मार्केट के अंदर, वापसी छत पे चलते हैं यार, ब्लैक व्हाइट वाली फीमेल भी ना आते हैं। छत के ऊपर आ चुके हैं और यार फीमेल नहीं मिली भाई, मेरी किस्मत आजकल यार इतनी बुरी चल रही है ना, गुलखान जा चुका है, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़ायदा हो गया, वो फ़ायदा ये हुआ है कि हमारे जो कबूतर के चिक्स निकल आए अल्हम्दुलिल्लाह आज दोनों हो चुके हैं। अभी चलते हैं भाई केज के अंदर, जल्दी से आप लोगों को भी दिखाता हूँ। कल एक निकला हुआ था अंडे में से और एक में क्रैक आया हुआ था, तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमारे आज दोनों चूज़े निकल चुके हैं। और इंशाल्लाह यार जो फीमेल की कहानी है ना, ये संडे पे जा रही है दोस्तों, क्योंकि यार संडे वाले दिन ही जाना पड़ेगा। इसको हाथ के हाथ ले जाऊंगा, सादत को पकड़वा के ना भाई, फीमेल हमारी ऐसी है जैसे खतरनाक बछड़ा नहीं होता कोई, लाते वाते ये वो, सादत उसको पकड़ के बैठेगा बोरे के अंदर, इसको एक्सचेंज करवाएंगे, इसकी जगह कोई अच्छी सी फीमेल लेकर आ जाएंगे इंशाल्लाह यार। अब संडे पे ही कहानी गई है, खैर संडे को हम एक्सचेंज करवा देंगे। और पॉन्ड भी आज सफाई नहीं कर सका सिर्फ फीमेल की वजह से, अगर वो ब्लैक वेट वाली फीमेल मेरे को मार्केट में नजर आ जाती ना, तो वो हम लोग खरीद लेते और इसको दे देते, और जो पैसे बनते ऊपर से वो पैसे दे देते। हालांकि ये उससे काफ़ी बड़ी है, लेकिन जाहिर सी बात है वो एक्सचेंज करने के पैसे तो लेता, खैर पैसों का कोई मसला नहीं था, हम दे देते यार। खैर ये तो हमारा मेल बैठा हुआ है, फीमेल पता नहीं कहाँ नीचे पीछे घुस गई होगी दोस्तों, बच्चे बच्चे तो उसने देने नहीं है। अब देखने का दिल में नहीं करता, पहले मेरा देखने का दिल करता था देखूँ बच्चे दिए हो, लेकिन अब मुझे 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ बच्चे नहीं दिए होंगे। और जल्दी से अपने कबूतरों को खोलते हैं और बेबीज आपको दिखाता हूँ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह दो नो निकल चुके हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और यार इनको दाना भी डाल देता हूँ दोस्तों जल्दी से ना, जब तक ये बाहर आ रहे हैं दाना हम लोग अपना डालते हैं। कहाँ है दाना, दाना तो अब यार दोस्तों, पहले मैं गुलखान की वजह से ना बहुत अंदर करके रखता था, लेकिन अब जहाँ पे जो चीज़ रखता हूँ ना वहीं पर मिलती है, क्योंकि हमारा गुलखान इतना छुलबुला था ना, हर चीज़ में घुसता था, दाना खा जाता था, वॉर्म्स निकाल दिया करता था। लेकिन अब तो भाई जो चीज़ जहाँ रखो वहीं पर आराम से मिल जाती है, ये वॉर्म्स वगैरह है, बाकी दाना पीछे हो गया। तो हमारे कबूतर को चेक करें भाई, निकलते के साथ ही पता नहीं कहाँ कहाँ भाग जाते हैं। खैर मैं दाना इनको डालूंगा ना, तो सारे कबूतर हमारे यहीं पे आ जाएंगे। आ जाओ माशाल्लाह 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 भाई, काफ़ी सारे कबूतरों के तो पर भी आ चुके हैं हमारे, और मैंने इनको दाना यहाँ पे करके डाल दिया। जब तक कि आराम से दाना खा रहे हैं ना, केज के अंदर कोई भी नहीं है, सिर्फ रैबिट घूम रहा है। तो जल्दी से केज के अंदर चलते हैं और बच्चे चल के देखते हैं माशाल्लाह, तो दोनों बेबीज निकल चुके हैं। जल्दी से यार केज के अंदर चलते हैं, दाने को थोड़ा संभाल के रखते हैं यहाँ पर, क्योंकि ना ये जो मोटू कबूतर है ना ये बड़ा फंटर, ये फ़ौरन घुसता है। अबे 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 भारो 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 यार दोस्तों, भाई साहब के काम चेक करें भाई, पता नहीं क्या है, केज खुलते के साथ ही फौरन अंदर आ जाते हैं, कोई अच्छी जगह ढूंढ रहा होता है क्या होता है। हालांकि हमने इसकी घोंसला आराम से बनाया हुआ यार, लेकिन इसको क्या है भाई, केज खुलता है और ये फौरन अंदर आके कबूतरों के केज में आके इसको बड़ा घुसने का शौक है, कबूतरों के मुर्गियों के। हालांकि पूरी छत इनको दी हुई है, अब तो ना गुलखान है कोई भी नहीं है, आराम से पूरी छत पे घूमते रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या है केज खुलते के साथ ही ना कबूतरों के केज में आने की करता है। खैर यार मैं तो निकालने वाला हूँ बेबीज को दोस्तों, अब चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह यार, दो के दो बेबीज निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह भाई। यार दोस्तों बड़ी खुशी हो रही है देख के, दो बेबीज ये हो चुके हैं और दो बेबीज तो माशाल्लाह से हमारे काफ़ी बड़े हो चुके हैं। इंशाल्लाह जैसे मैंने बोला था ना, अंडों में से थोड़े दिन बाद बेबीज निकल जाएंगे, अब मैं बोलता हूँ इंशाल्लाह थोड़े दिन बाद ये बेबीज हमारे इन बेबीज के बराबर हो जाएंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो यार दोस्तों इनको वापसी ऐसे ही रख देता हूँ भाई, अब थोड़े दिन बाद देखेंगे यार, रोज़ रोज़ नहीं निकालूंगा मैं इनको, अब इंशाल्लाह इनको हम देखेंगे चार दिन के बाद ना, चार दिन के बाद इनकी कंडीशन चेक करेंगे, चार दिन बाद कैसे हो जाते हैं। यार इसके ऊपर ना एक टिंका है भाई, टिंके को साइड पर कर देता हूँ बस, अब सही है। और यार ये छोटा वाला बेबी अभी निकला है, बाकी बड़ा वाला तो कल निकला था। यार इसको हम यहाँ पर रख देते हैं आराम से, यार बार बार घुसूंगा ना तो भाई ये डिस्टर्ब भी हो जाते हैं बार बार, जब भी मैं नहीं घुस रहा। बाकी हम अपने ये जो बड़े वाले हैं ना, इनको तो रोज़ निकालता हूँ, लेकिन ये भागने की करते हैं, फ़ौरन वापसी छोड़ देता हूँ। वाह जाओ भाई जाओ 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 जाओ, जैसे ही मैं इनको बाहर निकालता हूँ ना, फ़ौरन वापसी अंदर भागने की करते हैं, इनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इतना परेशान हो चुके हैं, क्योंकि भाई पहले छत पर आते के साथ ही चूज़े खुला करते थे, गुलखान खुला हुआ होता था, लेकिन जब से गुलखान गया ना, मैं सबसे पहले कबूतर खोल देता हूँ, कबूतर की टाइमिंग पहले कर दी है और चूज़ों की सेकंड शिफ्ट लगा दी है। सेकंड शिफ्ट इनसे बर्दाश्त नहीं होती है, फुल गुस्से में ना पागल हो रहे हैं, देखो टकरे मार रहे हैं केज के ऊपर। और यार एक बात बताता हूँ, अभी मैंने देखा है वो पीछे भाई हमारा बजरी का जोड़ा नजर आ रहा है, जो कि रैम्बो है यार। ये जब से फीमेल ले आया हूँ मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, और आप लोगों ने मुझे याद भी नहीं दिलाया, मैं भूल ही गया, मैं इसको अभी तक एक दफा भी नहीं दिखाया। तो आज अपने पेयर को बाहर निकालते हैं और इसकी कंडीशन चेक करते हैं भाई क्या हुआ। ये तो जिस दिन मैं लेकर आया था उसी दिन से माशाल्लाह से मटके के अंदर जा रही थी, उम्मीद कर रहा हूँ यार अंडे तो नहीं दिए होंगे यार, क्योंकि अभी बाहर ही घूम रहे हैं, अगर अंदर होते तो मैं समझ जाता अंडे अंडे दे दिए होंगे, लेकिन अभी तो उन्होंने अंडे नहीं दिए होंगे।
यार दोस्तों कबूतरों को बंद कर दिया और अब चूतों को खोलने का टाइम आ चुका है। भाई ये तो यार ऐसे पागल हो चुके हैं ना, बेताब हो रहे होते हैं, क्योंकि हमेशा से इनकी आदत बनी हुई थी छत के ऊपर आते थे और पहले ये खुला करते थे, लेकिन अब ऐसा हो चुका है यार छत के ऊपर आने के बाद में ये खुलते हैं, पहले कबूतर खुलते हैं, क्योंकि यार इनको पहले खोल दो ना इनको बंद करना एक अजाब हो जाता है, तो मैं जब भी इनको बाद में खोलता हूँ और कबूतरों का जितना भी गिरा हुआ दाना होता है ना सारे हमारे चूते खा लेते हैं। यार दोस्तों ये आप लोग कमेंट्स में बताएं भाई इसके जो पर है ना यार इनके पर क्यों नहीं आ रहे। यार मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा है इतनी एज के चूतों के पर आने शुरू हो जाते हैं लेकिन हमारे चूतों के पर ही नहीं आ रहे, जबकि मैं डिवॉर्मिंग भी कर चुका हूँ। आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी बताना है चूतों को ऐसा क्या खिलाएं यार इनके पर आएं, फीड भी दे रहा हूँ, दाना भी दे रहा हूँ, प्याज लहसुन इनको हर एक चीज़ तो दे रहा हूँ मैं, चावल और मक्खन भी मैंने इनको खिलाया, रोटी भी खिलाई है, लेकिन यार ये पता नहीं क्यों ऐसे के गंजे रहे हो रहे हैं यार। हालांकि ऐसे एज के बच्चों को मैंने देखा यूट्यूब के ऊपर उनके पर आ रहे होते हैं लेकिन यार इनके पर ही नहीं आ रहे, समझते बाहर है भाई क्या करना पड़ेगा इनके साथ। तो ये थी मेरी आज की नई वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इंशाल्लाह दुआ जरूर आप लोगों ने देनी है कि यार हम अपनी फीमेल को भी जल्द से जल्द एक्सचेंज करवा लें और गुलखान की जगह कोई एक नया मुर्गा इंशाल्लाह बहुत जल्द छत के ऊपर लेकर आएंगे, क्योंकि छत हमारी सूनी हो गई है यार, गुलखान था तो छत के ऊपर मजा था, लेकिन इंशाल्लाह भाई संडे वाले दिन कोई अच्छा मुर्गा ढूंढेंगे, वरना तो मैंने दो तीन दोस्तों को भी बोला हुआ है कोई अच्छा मुर्गा मिल जाएगा तो इंशाल्लाह ले लेंगे। तो आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।